उन्नाव में दलित युवती की हत्या के मामले में दोबारा पोस्टमार्टम ने पूरी की पूरी कहानी पलट कर रखती है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दलित युवती की जांघ में चोट, हाथ में चोट और गले में चोट के निशान मिले हैं, जबकि इन तीनों इंजरी का जिक्र पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं था। परिजन अब घालमेल का आरोप लगाकर पोस्टमार्टम हाउस में कल रात से धरने पर बैठे हैं और साथ में कांग्रेसी लोग भी धरने पर बैठ गए हैं और योगी मोदी और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उन्नाव की सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी की एक महिला ने 8 दिसंबर 2021 को अपनी बेटी के अपहरण की तहरीर सदर में दी थी। आरोप था कि पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह ने उनकी बेटी का अपहरण करके हत्या कर दी। 63 दिन बाद पुलिस ने युवती के शव को पूर्व सपा राज्य मंत्री के आश्रम के ठीक बगल में गड्ढे खुदवाकर बरामद किया। 11 फरवरी को गहमा गहमी के बीच पुलिस ने चंदन घाट जाजमऊ में अंतिम संस्कार करा दिया था, लेकिन परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की अपील की तो 15 फरवरी को दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। अब परिजन पोस्टमार्टम हाउस में शव रखकर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि मेडिकल पैनल बोर्ड गठित करके एक बार फिर से पोस्टमार्टम करवाए। तो नाव से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर धरने पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। सीधे तौर पर मांग है कि दोबारा से पोस्टमार्टम कराई जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तनवर खान जुड़ गए हैं। तनवर जी, क्या चल रहा है अब फिलहाल, अपडेट दीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि उसके परिवारजन जो है धरने पर बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जो है पूरी तरीके से जो है ना लखनऊ का पैनल आकर के फिर से एक बार जो है पोस्टमार्टम करे। और इसके साथ ही जो है ये जो कांग्रेस के लोग भी धरने पर बैठे हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं। और इस बीच प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का सर कहना ये है कि जो ना ये जो हुआ है वो उसमें जो ना आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है धरने पे जो है उनके जो बैठे हुए हैं इसको जो है ना मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आरोपी देखिए ऐसा है तनवर साहब, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूर कुछ कमियां देखने को मिली हैं और चोटों के जो निशान है वो भी निकलकर सामने आए हैं दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। तो ऐसे में आप परिवारी जनों की क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि जो आरोपी है वो तो पहले से गिरफ्तार है, तो क्या कानून की धाराएं बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या अन्य धाराओं में मुकदमा लिखने की बात की जा रही है? कानून की जो परिवार उसका आरोप है कि जो कानून की धाराएं वो बढ़ाई जाए, अन्य धाराएं भी उसमें जोड़ी जाए और साथ ही साथ जो ना उनका परिवार की जो है पहले भी मांग ये थी कि जो ना उनकी जो ना लड़के की सुरक्षा के लिए जो ना पुलिस गठित की जाए, दो तीन पुलिस वाले तैनात किए जाएं क्योंकि उनके भी जान को खतरा है, उनके परिवार वालों का ये कहना है। उसके साथ साथ जो है कांग्रेस में जो है ये कांग्रेस के लोग जो ना प्रियंका गांधी से भी बात हुई है इनकी परिवार वालों की, तो वो भी जो ना कह रहे हैं कि जो ना ये धरने पर जो बैठे हैं इसका पूरे तरीके से सही से जो ना पोस्टमार्टम हो, उसका जो है अदालत में भी जो ना इसके लिए जो ना उन्होंने जो ना एक बार फिर से जो ना दायर किया है कि जो ना इसकी रिपोर्ट इसकी जो है पोस्टमार्टम जो ना सही से लखनऊ के पीजीआई के जो ना डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया जाए। ठीक है, लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है, इसमें जिम्मेदारी तय होती है सीएमओ की, सीएमओ का क्या कुछ कहना है? अभी सीएमओ का कोई कहना नहीं है, इसके साथ ही और जो ना इस पोस्टमार्टम की और अभी कुछ जानकारी जो ना डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ जानकारी इसकी पुष्टि करी जाएगी कि जो लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी भी वो स्लाइड जो ना अभी भेज दी गई है, अभी जानकारी पूरी तरीके से नहीं आई है। नहीं, तनवर जी ये जानना चाहेंगे कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान जो कि अभी बताए जा रहे हैं जांघ पर, हाथ पर, ये पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नजर नहीं आए, खामियां कहाँ थी, किसकी लापरवाही रही है अभी तक प्रथम दृष्टया आप क्या कुछ कह सकते हैं? जी, इसमें जो है ना खामियां तो डॉक्टरों की रही है क्योंकि जो है ना जो प्रशासन की तरफ से डॉक्टर जो तैनात किया गया था उन्होंने पूरी अपनी तरफ से शायद पूरी जो है ना इन्होंने वो नहीं किया है, पोस्टमार्टम जो है ना सही रिपोर्ट नहीं दी है, इसीलिए जो है दोबारा फिर से जो है ना कांग्रेस की जो है ना कांग्रेस की यहाँ महिला जो डॉक्टर आए थे उन हेलो हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी जी, डॉक्टर जो यहाँ कांग्रेस ने जो है यहाँ पे सीएल पुनिया जी आए थे, उन्होंने कहा था मांग उठाई थी कि इसकी एक बार फिर से जो ना पोस्टमार्टम होगा,
और इसमें जो भी जानकारी है वो सामने आएंगी। ठीक है, पीएल पुनिया आए थे, उसकी तस्वीरें हमने देखी थी, साथ ही साथ अब कांग्रेस के लोग भी नजर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि दलित बेटी की हत्या का मामला है, इसके अलावा और कोई नेता नजर आया, वहां पहुंचा है, बातचीत की है परिवार से? अभी फिलहाल तो कोई जो ना परिवार से मिलने के लिए कोई भी ना सपा का ना जो ना ये आपके बीजेपी का नेता, कोई भी नेता नहीं पहुंचा है अभी मिलने के लिए। कांग्रेस के अलावा कोई, कांग्रेस की जो ना सदर प्रत्याशी और आपकी पूर्वा प्रत्याशी जो ना वो लोग जो ना वहाँ धरने पे बैठी हुई है और कांग्रेस का ही लोग भी धरने पे बैठे हुए हैं पदाधिकारी। चूंकि तनवर जी, इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का बेटा रजोल सिंह ही है, तो ऐसे में क्या बीजेपी अभी तक स्टैंड लेती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आरोप है, तो इस पे बीजेपी क्या स्टैंड दे रही है? अभी तक कोई बयान कुछ भी आया है? बीजेपी ने अभी कोई भी बयान नहीं दिया है। और इसके साथ साथ कुछ जानकारी मिली है कि जो इनके भाई है अशोक सिंह, वो बीजेपी से भी कुछ पद रखते हैं, तो बीजेपी से रिलेटेड थे, तो इसलिए वो जो ना इस पे कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। ठीक है, इसके साथ ही एक और चीज है कि हाथरस में जो कांड हुआ था वो हम सभी को याद है, तो ऐसी भी आशंका जताई जा सकती है कि प्रशासन जो है ऐसे मामले को हर नजर से दबाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नजर तो नहीं आ रहा कि प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा हो किसी भी तरह से? शुरू में तो ये प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से दबा दिया था, जब ये केस जो ना उछला है, लड़की के जो ना परिजनों का, माँ बाप का पूरी तरीके से आरोप ये था कि जो ना इसमें जो ना उन्नाव के सीओ और आपके जो ना ये काशीराम चौकी प्रभारी दीक्षित, ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस पे, कोई इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये लड़की के जो ना उन्होंने एसपी को जो ना अप्लीकेशन भी दी थी यहाँ एसपी ऑफिस में, उसके बाद जो ना ये मामला तूल पकड़ा है, मीडिया ने जब इसको उठाया है तभी उसके बाद से कार्रवाई हुई है, उसी के बाद से जो ना पुलिस हरकत में आई है प्रशासन। ठीक है तनवर, पूरी जो भी घटना है, जो भी खबर है, उस पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।